ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाजना शलाकया चक्षुर्मीलितं येना तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरो शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का आज प्रश्नोत्तर सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रश्नोत्तर सेशन क्यों होते हैं, हम क्यों रखते हैं? क्योंकि जब तक हमारे हृदय के प्रश्न खत्म नहीं हो जाएंगे, हमको कभी भी पूर्ण रूप से भगवान की बातें समझ में नहीं आएंगी, है ना? जिस तरह से कोई बर्तन है, उस बर्तन में अगर कुछ सामग्री लगी हुई है तो बिना साफ किए आप उसे कुछ पका नहीं सकते। उसी तरह से जो ये प्रश्नोत्तर होते हैं ना, जब तक हमारे हृदय में ये प्रश्नोत्तर हैं, इनको पहले साफ कर देना चाहिए, और उसके बाद जब आप पकाएंगे ना भगवान की आध्यात्मिक बातों को, तो उसमें जो टेस्ट आएगा ना वो बिल्कुल अद्भुत टेस्ट होगा। और जितना पकाएंगे उतना टेस्ट आएगा। इस बात को मानते कि नहीं मानते? जो कुक है वो जानते हैं, मैं बड़ा बेकार कुक हूँ मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन जो है जो कुकिंग जो कुक करते हैं वो इस चीज को अच्छे से भली भांति जानते हैं कि कितना जो है असर होता है अगर हम किसी चीज को बहुत अच्छे से पकाएं। तो जिस इन आध्यात्मिक बातों को हम जितना पकाते हैं, जितना सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, उतना ही हमारे हृदय के अंदर हमें आनंद 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 बढ़ता जाता है। अब कोई व्यक्ति कहे, प्रभु जी मैं पिछले 4 महीने से लगातार माला कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं आनंद नहीं आ रहा जिस आनंद की आप बात करते हैं। अरे आनंद कैसे आएगा? माला आप करते हैं 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा, और बाकी दिन भर क्या चलता है? एक हाथ में रिमोट होता है और एक हाथ में जो है कुछ और खाने पीने का सामग्री, जैसे मूवी देखते थे पॉपकॉर्न खा रहे बैठे बैठे, ऐसा होता तो कहाँ से आनंद आएगा? भगवान के नाम पे मूवी में आनंद आएगा ना? ठीक है, तो हम लोग पका रहे हैं। तो आज प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए आप सभी लोगों के, इसलिए मुझे वो प्रश्न, मैं बताता हूँ प्रश्न कौन से हैं और फिर हम उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो प्रश्न है उसमें संतोषी माता जी एक प्रश्न पूछती हैं। हम फ्लो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने प्रश्न एक साथ लिख दिए कि जैसे एक चिड़िया है, अगर वो अब एक कीड़ा खा रही है बैठ करके, तो क्या अगर उस कीड़े को हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए? मतलब कैसे बचाएंगे? चिड़िया को उड़ाएंगे तो कीड़ा बच जाएगा,
या उसको खाने देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या उसको मतलब खाएगा, चिड़िया खाएगी तो कीड़ा मर ही जाएगा, मरने देना चाहिए। पहला प्रश्न सोचिए, कितना अच्छा प्रश्न है। ये प्रैक्टिकल प्रश्न है, जीवन में आप देखते रहते हैं, है ना। ये बिल्कुल जो प्रैक्टिकल प्रश्न है ना, उन प्रश्नों का आंसर देने में और मजा आता है। दूसरा कहते हैं बंसराज प्रभु जी, कहते हैं कि बिल्कुल एक बार कहते हैं जो भगवान के धाम चला जाता है वो तो ठीक है, लेकिन ये जय विजय वापस कैसे आ गए, वापस क्यों आना पड़ा इनको। बिल्कुल सही प्रभु जी, आपने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान कहते हैं मेरे धाम में जो एक बार आता है वहां पे जो है वापस नहीं आता, फिर ये वापस क्यों आ गए। बिल्कुल मैं प्रभु जी आपके इसका इस प्रश्न का बिल्कुल अच्छे से सम्मान करता हूँ। फिर जो है दिनेश चंद्र प्रभु के दो क्वेश्चन आते हैं कि एक जन्म से पूरे शरीर से जो विकलांग होते हैं वो किस कारण से होते हैं, और दूसरा उनके ऐसे बच्चे जो विकलांग हो जाते हैं उनका कल्याण के लिए क्या किया जाए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। और उन्होंने जो चौथा प्रश्न पूछा वो बहुत ही शानदार है, भक्तों में भी स्वामित्व की भावना देखी जाती है, वह अपने नियंत्रण को खोना नहीं चाहते, क्या ये ठीक है। तो यहाँ पे दो मतलब निकलते हैं, एक स्वामित्व की भावना कि ऐसी स्वामित्व की भावना जिसमें जो है भक्त लोग सोचते हैं कि मेरा जो इंद्रियों में नियंत्रण है वो छूटने नहीं दूंगा, एक वो नियंत्रण की बात होती है, और एक होता है स्वामित्व की भावना, अरे ये मेरा एरिया है इस एरिया में मैं किसी को पकड़ने नहीं दूंगा। हम दोनों विषयों में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, इन प्रश्नों को आप पूछते हैं और ये जो चर्चा होती है ना इससे बड़ा ही आनंद आता है। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, चलिए शुरू से शुरू करते हैं, संतोषी माता जी शुरू करते हैं। तो संतोषी माता जी ने पूछा है कि अगर कोई चिड़िया किसी कीड़े को खा रही है और हमें लग रहा है कि हम उस कीड़े को बचा सकते हैं, तो हमें उसे बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। देखिए संतोषी माता जी, आपके साथ साथ सबके लिए प्रश्न है, ये सबके लिए उत्तर है इसके, सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए, हमारे जीवन में आते रहेंगे ये प्रश्न यूजुअली। तो जो है और किसी ने एक और प्रश्न पूछा है, मैं वो प्रश्न ही बोल देता हूँ कि जब भगवान राधा रानी को इतना, अगर कोई कहते हैं राधा कृष्णा कहते हैं तो राधा, वो मैं लिखना भूल गया फेसबुक में एक्चुअली, वो तो कहते हैं राधा कृष्णा करते हैं तो भी राधा को इतना विरह को झेलना पड़ा, और भगवान हमेशा रुक्मणी के साथ रहे लेकिन राधा जी हमेशा जो है विरह झेली, जबकि कहा जाता है कि राधा भगवान को ज्यादा प्रेम करती है। चलिए ये भी प्रश्न लेंगे, तो आज आधे घंटे से थोड़ा सा 35-40 मिनट का कथा हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो कहते हैं बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न थे कि भक्तों के आज, तो जो चिड़िया है वो अगर कीड़ा खा रही माता जी, तो ये उसका क्या है, शारीरिक धर्म है, वो शरीर के लिए कीड़ा खा रही है ना। अगर वो शरीर के लिए कीड़ा खा रही है तो इसका मतलब है कि वो शरीर चलाना चाह रही है ना। अगर वो कीड़ा नहीं खाएगी तो वो मर जाएगी। अब आपने सोचा कि मुझे कीड़े पर दया आ गई और आपने कीड़े के लिए चिड़िया को डंडा मार के उड़ा दिया या कुछ भी शुश करके उड़ा दिया, तो कीड़ा बच गया लेकिन चिड़िया भूखी रह गई, तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो जो है जब कभी ऐसा हो कि आपके सामने कोई चिड़िया कीड़ा खा रही है और आपको लगता है कि वो तो अधमरा तो हो ही गया बेचारा, को कीड़ा को चोंच पड़ते ही कीड़ा आधा मर जाता है, तो उसको खा लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अपने शरीर के लिए खा रही है, लेकिन साथ में आपको लग रहा है नहीं अभी मैं बचा सकती हूँ, तो चिड़िया को भूखा भी तो नहीं रखना है ना। तो आप उनको पैरेलल में चावल के दाने डाल दीजिए, अगर आप उसे एक भोजन उठा रही है तो उसको भूखा मत रखिए ना, उनको चावल के दाने भी डालिए परोसिए। अगर आप चावल के दाने परोसेंगे तो क्या होगा, अगर आप चावल के दाने परोसेंगे तो उसको आपने, उसको अगर भूखा रखा तो भूखे के साथ साथ उसको खाना भी तो दिया आपने, तो फिर आप उस पाप से बच जाएंगे, उसको भूखा रखने के पाप से, है ना। तो जो आपको इसलिए दोनों चीजें, अगर आप या तो बचाइए, अगर आप बचा रहे हैं तो उसको खाना भी डालिए, खाना डाल करके आप उसका पेट भर देंगे वो सेटिस्फाई हो जाएगी। आपने केवल डंडा मार के उसको भगा दिया और कीड़ा तो बच गया, लेकिन उसने जो श्राप दे दिया उसका क्या करेंगे, वो तो शरीर धर्म का पालन कर रही ना, देश धर्म शरीर धर्म मल्टीपल धर्म होते हैं, काल धर्म, जब जिस समय रह रहे हैं आप उस समय क्या परिस्थितियां हैं उसके अनुसार क्या करना चाहिए, है ना। तो उसके सब वो अपने शारीरिक धर्म का के कारण उसके कीड़े को खा रही है, ठीक है। तो मतलब आपको उत्तर समझ में आ गया होगा माता जी, अगर कुछ और प्रश्न तो बता दीजिएगा, इसको इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बंसराज प्रभु जी कहते हैं कि जब एक बार यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार भगवान के धाम जाने के बाद भी जय विजय क्यों वापस आ गए, क्यों उनको आना पड़ा। बिल्कुल सही बात प्रभु जी, आपने इतना शानदार प्रश्न पूछा है।
शास्त्रों में केवल यही एक उल्लेख है जय विजय का जो आए हैं, या एक दो और होंगे, बाकी जो यद गत्वा जो एक बार चले जाते हैं वापस नहीं आते। तो कहेंगे इतनी सृष्टि कैसे बन गई, इतनी सृष्टि भगवान की इच्छा से बनी है, भगवान ने इसमें क्या प्लानिंग किया, इतना सोचना नहीं है। अब सृष्टि के हम पार्ट क्यों हो गए, अरे हम ही हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि हम गोलोक में नहीं पृथ्वी लोक में। तो भगवान ने कहा तुम पृथ्वी लोक में हो तो कल्याण करो, खुद अपना जो है शास्त्र पढ़ो और सबको शास्त्र पढ़ाओ बताओ, है ना, शायद इसलिए भेजा हो हम लोगों को, क्या पता, भगवान की प्लानिंग हम नहीं जानते ना। तो जब भगवान की प्लानिंग को हम जानते ही नहीं है तो उसमें क्वेश्चन मार्क की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जय विजय क्यों आ गए ये बता सकता हूं। भगवान क्या होते हैं ना, हमेशा जहां भी देखिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा चलता रहता है। जहां भी देखो वहां कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है, भगवान की तारीफ चल रही है, भगवान आप ये हैं, आपकी आंखें इतनी सुंदर हैं, आप इतने अच्छे लगते हैं, हमेशा भगवान को भोग लगाओ प्रसाद चढ़ाओ। भगवान कहते हैं मैं थोड़ा चेंज चाहता हूं भाई, सम चेंज आई वांट, है ना, जैसे आप लोग चाहते ना, आप ये आज ये फ्रिज है थोड़ा फ्रिज चेंज होना चाहिए, ये घर पहले वही घर बड़ा अच्छा लग रहा है बाद में वही घर खराब लगने लगता है, घर थोड़ा चेंज होना चाहिए, है ना, घर थोड़ा सा बड़ा घर मिले तो ज्यादा अच्छा है। तो वैसे भगवान भी सोचते हैं मैं जहां जाता हूं वहां मेरी केवल सेवा भक्ति होती है, मुझे युद्ध करने का मौका नहीं मिलता, भक्तों से लड़ाई करूंगा क्या। खेलना चाह रहे थे वो तो बाल गोपाल बनकर के आ गए, छोटे से लड्डू गोपाल बनकर, चोरी करना चाहे तो लड्डू गोपाल, जो अपनी इच्छा अनुसार वो काम करना चाह रहे हैं। अब लड़ना चाहते हैं तो कोई उनके समकक्ष लड़ाई करने भी होना चाहिए ना, और लड़ाई के लिए उनके समकक्ष कौन हो सकता है, जिसको उन्होंने शक्ति दे रखी है। और भगवान शक्ति किसको देते हैं, जिनका भक्त है, भक्ति में ही शक्ति है, जहां भक्ति नहीं वहां शक्ति नहीं। लोग सोचते हैं मैं करता हूं, मेरे द्वारा सब काम हो रहा है, मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, बाद में जब वो निकल पड़ते हैं तो भी सारे काम होते रहते हैं। ऐसा आज तक आपने किसी को देखा है कि जो लोग हैं और उनके जाने के बाद काम रुक गया हो, कभी नहीं ऐसा होता, किसी के जाने के बाद काम रुकता नहीं, काम हमेशा चलता रहता है। हमें लगता है कि हमारे बगैर काम नहीं होगा, लेकिन काम कभी नहीं रुकेगा, काम चलता रहेगा। तो जो है इसमें कहते हैं शशिवाला माता जी कहती हैं कि भगवान भी भक्तों से लड़ाई करते हैं, और दिनेश शर्मा कहते हैं भक्तों के साथ दो दो हाथ की इच्छा होती है उनको। हाँ, उनको लगता है कि कुछ चेंज हो जाए, फिर लड़ाई लड़ाई करें, अब एक शक्तिशाली व्यक्ति आए तो उनके ही इच्छानुसार चतुष कुमार जैसे लोग जाते हैं, उनको श्राप देते जाओ तुम राक्षस बन जाओ, और राक्षस ही बनेंगे तो ऐसा नहीं बनेंगे कि छोटे मोटे राक्षस बन जाए, वो छोटे मोटे जो चोर होते हैं आसपास वैसे नहीं बनेंगे, वो ऐसे तावड़ तोड़ राक्षस बनेंगे, इतने भयंकर राक्षस बनेंगे कि जब वो पैदा होंगे तो हर जगह कालीमा छा जाएगी, मवाद की बारिश होने लगेगी, खून की बारिश होने लगेगी, हड्डियां गिरने लगेंगी, तूफान आने लगेगा, भूकंप आने लगेगा, भूचाल आने लगेगा, ऐसा खतरनाक बारिश होगी, मतलब ऐसा खतरनाक मौसम बन जाएगा जब वो आते हैं राक्षस। और जब आते हैं तो भगवान फिर उनसे फाइट करने आते हैं, और फिर ताड़ 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 मजे लेते हैं, फिर मजे लेकर के उनको अपने धाम वापस बुला लेते, चलो हो गया थोड़ा काम। कई बार जैसे आप लोग बनाते हैं ना हिट मी करके डॉल आता है, उसमें आप मारते हो वापस आ जाता है, फिर मारते हो वापस आ जाता है ना। तो जैसे कुछ बच्चों लोग खेलने के लिए बच्चे बनाते हैं, अपना एक घर बनाते हैं बालू का, उसको लात मार के तोड़ के चल देते हैं, ये सब बच्चे जो काम करते हैं ना उसे हमको वो भगवान की एक्टिविटी नजर आनी चाहिए कि वो क्या करते हैं, वैसे ही करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो घर बनाए और घर को छोड़ दिए, अभी जिस चीज के लिए बड़ा मेहनत कर रहे थे उसी चीज को भूल भी गए अगले दिन, है ना, उसे फंसते नहीं है वो। तो जो है कहते हैं अंजलि माता जी, अगर भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं तो बार बार दुख क्यों देते हैं प्रभु जी। हाँ माता जी बिल्कुल सही बात है। तो दुख का महसूस किसको होता है, भगवान तो साफ साफ भगवद गीता में कहते हैं तुम मेरी भक्ति करो मैं तुम्हें सारे तापों से मुक्त कर दूंगा। यानी भगवान की जो भक्ति करता है वो ताप, तीन प्रकार के ताप है ना, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, इन तीनों तापों से भक्त छूट जाता है। तो अगर मैं भक्त हूं तो मुझे दुख का एहसास नहीं होगा माता जी, है ना, मुझे दुख होगा और लेकिन दुख का एहसास नहीं होगा। जैसे हम कार में जा रहे हैं मान लीजिए, तो अभी आप साइकिल में जाइए रिक्शे में बैठिए तो रास्ते में जो गड्ढे आते हैं ना वो गड्ढे क्या होते हैं, वो गड्ढे हमारे अगर रिक्शे में बैठे हैं टक टक इधर भिड़ेगा उधर भिड़ेगा, बिल्कुल शरीर के पूरे अंदर की अंजर पंजरियां हिल जाएंगी। कभी रिक्शे में बैठिए जिसमें गड्ढे में ऐसे ऐसे जा रहे हो, वहीं पे क्या होता है, अगर आप एक बढ़िया कार में बैठे हो, बड़ी महंगी सी 1 करोड़ वाली कार में, उस कार में अगर आप बैठेंगे तो उसके शॉकर्स इतने बढ़िया होंगे कि वही गड्ढे आपको फिर से मिलेंगे, ऐसे
लेकिन जब वो गड्ढे आएंगे ना तो आपको ऐसे ऐसे लगेगा वाह कोई बढ़िया बॉडी को मसाज कर रहा है, आराम से उस गड्ढे को क्रॉस कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। तो ये जो महंगी सी कार है ये क्या चीज है? ये महंगी सी कार कुछ और नहीं, आपकी भक्ति है। जितनी स्ट्रांग भक्ति होगी उतना ही आपको दुख समझ में नहीं आएगा। दुख तो जरूर होगा क्योंकि हम लोग दुखालम में ही हैं। ये दुख का आलय है, आलय मतलब घर। भगवान कहते हैं ये जहां पे हम लोग हैं कलयुग में, ये धरती में जितने लोग हैं सब दुखालय में हैं, ये दुख के आलय में हैं। तो दुख तो होगा, काजल की कोठरी से निकलेंगे तो कालिख तो लगेगी, लेकिन कालिख का एहसास भक्तों को नहीं होगा। आप भक्ति करिए तो माता जी, जब आप भक्ति करेंगी, जबरदस्त भक्ति करेंगी, सबको सम्मान देंगी, सबको प्यार देंगी, किसी से झगड़ेंगी नहीं, किसी से जो है कुछ ऐसा, सबको बिल्कुल सब चीज से मुक्ति ले लेंगी, और क्या हो जाएंगी बिल्कुल एक ऐसे व्यवस्था को जिएंगी जिसे बस भगवान की सेवा और श्रद्धा और पूर्ण विश्वास और भगवान का नाम का स्मरण और सब कुछ, जब पूरा ऐसा परिवार को जोड़ कर चलने वाली बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखिए क्या होगा, अपने मन से आपको दुख जो आएगा ना वो पता भी नहीं चलेगा। इसी कहते हैं। तो अब परिवार में रह करके भक्ति कैसे होगी? परिवार में रह के भक्ति मतलब परिवार को आप कहते हैं हम क्या संन्यास ले लें क्या? नहीं, भगवान ने अर्जुन को कहीं भी संन्यास लेने के लिए नहीं बोला। भगवान ने अर्जुन को केवल एक ही बात बोली कि बेटा तुम राज्य करो, लेकिन राज्य करो लेकिन मुझे अपने दिमाग में रख करके राज्य करो। जब तुम मुझे रखोगे तुमसे गलतियां नहीं होंगी, तुमको पता चलेगा कि युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हें पता चलेगा कि नकुल सहदेव तुम्हारे छोटे भाई हैं, तुम्हें पता चलेगा राज्य में जितने भी सैनिक से जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब कौन है, वो सब तुम्हारे पुत्र के समान है, जितने भी जो है नागरिक हैं उनके तुम वैसी सेवा करोगे, और जब तुम इतने विनम्र हो जाओगे तो तुम आराम से गोलोक धाम आ सकते हो, तो तुम्हें कोई दुख दुख नहीं लगेगा, है ना माता जी? तो इसलिए आपको ये दुख आएगा लेकिन महसूस नहीं होगा। अब भक्तों को दुख महसूस होता है, वो रोते हैं, विलाप करते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा। वही कुंती माता जी क्या करती हैं? हे भगवान मुझे दुख दो, मुझे और दुख दो, मुझे इतना दुख दो कि मैं आपको याद करूं, मैं आपको भूलूं नहीं। भागवतम के पहले स्कंद में मिलेगा आपको ये। तो जो है कहते हैं अंजलि माता जी, दूसरा प्रश्न आ गया लाइव में, भक्ति में, भक्ति तो मैं करती हूँ प्रभु जी, 16 माला भी करती हूँ, एकादशी भी करती हूँ, फिर भी क्या आगे लिख दीजिए माता जी, मुझे समझ आए फिर भी क्या फिर भी दुख महसूस होता है, ऐसा करेगा? तो कहते हैं कि कुंती माता जी कहती मुझे दुख दो, क्यों दुख दो? ताकि मैं आपको भूलूं नहीं, है ना? हम क्या मत भगवान सुख दो सुख दो, और कुंती माता कहती दुख दो, है ना? हमको जो है दुख भले मत मांगिए लेकिन सुख के भी, क्योंकि जब आप भक्ति करेंगे ना माता जी, आप 16 माला जप कर रही हैं, एकादशी कर रही हैं, आपको बिल्कुल दंडोर प्रणाम है, कोई बहुत से कम लोग ऐसे कर पाते हैं, आप इतना कर रही हैं और एकादशी व्रत भी कर रही हैं, उसमें श्रद्धा और जोड़ दीजिए, श्रद्धा जुड़ जाएगा, हाँ बस भगवान ही यानी अनन्य, बस भगवान, अब जो जय जो तुम दुख दे रहे हो उसमें भी मुझे सुख है, क्योंकि देने वाले तो तुम ही हो, है ना? जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और वो आकर के हमें कुछ सुना भी जाए तो कहते हैं ना लोग, अरे आप देने वाले तो आप ही हैं, आपने मुझे, अरे आपको तो मैं इतना प्यार करता हूं कि आपने मुझे दुख भी दे दिया तो भी कोई बात नहीं, मुझे वो भी सुख लग रहा है। तो देने वाले भगवान है तो उनको दुख को भी सुख की तरह लेना चाहिए माता जी, लेने लगेंगे जैसे भक्ति आएगी, क्योंकि जो है आपको फिर किसी चीज का कुछ न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतार भक्ति रहत की त्वयि। ये भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है माता जी, फिर दुख नहीं जाएगा। दुख केवल एक ही चीज रह जाएगा, पता है कब रोना आएगा? जब भगवान का नाम लेंगे, इतना प्रेम भगवान से, तो विश्व विरह के कारण रोना आएगा, उस विरह के कारण दुख आएगा, और दुख को दूर करने के लिए भगवान आते हैं, तब कहते हैं मैं आता हूं भक्तों के लिए, उनकी विरह की अग्नि को दूर करने के लिए, है ना माता जी? एक बार बिल्कुल श्रद्धा से करिए, जपा करते तो भगवान के नाम को बहुत फोकस होके करिए, आप ये देखेंगे कि आपको बिल्कुल दुख छू भी नहीं पाएगा। भगवान कह रहे हैं मैं तीनों तापों से मुक्त करता हूं, ठीक है माता जी? तो जे तो जो जय विजय इसलिए आए थे प्रभु जी, वंशराज प्रभु जी, क्यों? क्योंकि उनको जो है क्या था, वो लोग भगवान कभी कभी अपना हाथ जो है थोड़ा साफ करना चाहते हैं, आ जाओ बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे ऐसे लोग भक्तों को बनाते हैं जो उनसे जो है ऐसे राक्षस, ऐसे जो मतलब ऐसे अंग्राइंग असुर, तो ऐसा राक्षस बनेंगे कि भगवान के से थोड़े से चल सके, थोड़ी सी लड़ाई कर सके, भगवान तो अपने समान योद्धा चाहिए होते युद्ध करने के लिए,
इसलिए उनको भेजा था। अब कहते हैं दिनेश चंद्र प्रभु जी जो जन्म से पूरे शरीर से विकलांग है, किस कारण से होते हैं? तो जो इस जन्म में गायों बछड़ों लात मारते हैं, बहुत मांसाहार करते हैं, और जो ब्राह्मणों को लात मारते हैं, अपमान करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, परम वैष्णव जो होते हैं, जो सीनियर वैष्णव होते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो वो लोग विकलांग बन करके ही वो उनके कारण वो सब विकलांग बन जाते हैं। मतलब ऐसा विकलांग मतलब लंगड़े लूले बहरे काने, है ना, ये सब का मैंने आपको एक साथ बता दिया प्रभु जी। तो जो है अगर हमें इस पूरे स्थिति में हम ये देखें कि अगर हम वो जो जितने विकलांग लोग देखते हैं ना, तो उनका कल्याण एक ही रास्ते से हो सकता है, इस चीज का पश्चाताप करें। तो पश्चाताप उनको पता नहीं चलेगा तो विकलांग है। तो जिनको जानकारी है, जैसे वृंदावन में मैं जब भी जाता हूं, मैं एक माता जी को देखता हूं, अपनी पुत्री को लेके आती हूँ, वो विकलांग है। आप जब भी जाएंगे तो आपको दिखेगा। तो माता जी जो है थोड़ा सुबह जाएंगे ना मंगल आरती में, तो आपको नजर आएंगे मंगल आरती में, और 6-7 बजे तक नजर आने लगती हैं वो। काफी वैसे चल नहीं पाती हैं, आती है, लेकिन वो मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे लगता है वो नियमित आती होंगी, तभी तो मुझे हर बार दिखती हैं। तो जो है क्या है, वो उन लोगों को भक्ति मार्ग में समाहु लगा देना चाहिए, भगवान की भक्ति उनको सिखानी चाहिए, है ना, जो इस मार्ग में है, और उनको भक्ति सिखा करके उनको जो है भगवान की तरफ जोड़ देना चाहिए कि पिछले जीवन की वजह से इस जीवन में तुम्हें कष्ट मिला है, लेकिन इस जीवन की वजह से अगले जीवन में तुम किसी बहुत बहुत अच्छे परिवार में जन्म लोगे। तो यही एक केवल एक यही सलूशन है प्रभु जी, इसके अलावा कोई दूसरा सलूशन नहीं है। और पश्चाताप पश्चाताप किस चीज से होता है? भगवान की जितनी सेवा बिल्कुल हृदय से कोई करेगा वो पश्चाताप ही है। मैंने कोई गलती कर दी, भगवान की सेवा मैं रो रो के कर रहा हूं, ये पश्चाताप है। हे भगवान, मैं आपकी सेवा करूंगा, आज से मैं नहीं करूंगा, मुझे सेवा करना है। क्योंकि यही जीव क्या होता है, पेट में जब होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो यही पश्चाताप करता है, मैंने बहुत पाप किए भगवान, एक बार मुझे इससे बाहर निकालो, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो है आपकी भक्ति करूंगा, प्रचार करूंगा, सब करूंगा। जैसे ही आता है वो माया में फंस जाता है और सब खत्म हो जाता है। तो शशिवाला माता जी कहती है, मैं 36 माला करती हूँ, अगर एक दिन कुछ काम किए कम किए तो क्या भक्ति दूसरे दिन कर सकते हैं? कोशिश करनी चाहिए कि जितना आपने प्रण लिया एक दिन में कर लीजिए, लेकिन हाँ, अब भगवान की दूसरी सेवा कभी होती है, जन्माष्टमी होती है, कभी सेवा होती है उसकी वजह से, या अचानक कुछ ऐसा हो गया तो हाँ, आप अपना अकाउंट को दूसरे दिन ऐड करके कर सकते हैं माता जी, इतना फ्रीडम है। फिर कहते हैं भक्तों में, दूसरा प्रश्न है, भक्तों में स्वामित्व की भावना होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया, लेकिन इसके पहले मैं एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। वो है जो पहले इसको प्रश्न का उत्तर देता हूँ, फिर राधा जी वाला उत्तर दूंगा। कहते भक्तों में स्वामित्व की भावना देखी जाती है, वह अपने नियंत्रण को खोना नहीं चाहते, क्या यह ठीक है? तो देखिए, दो प्रकार का स्वामित्व है। तो एक दो प्रकार के, देखिए जो अहंकार है ना, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक अहंकार, एक होता है फॉल्स ईगो, है ना, यानी मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार और वास्तविक अहंकार। तो कहीं अहंकार ही क्यों आया? तो जो सूक्ष्म शरीर है ना, उसमें जो है जो अहंकार एक तत्व है। अहंकार क्या है? एक चिप है, मान लीजिए जैसे जो आत्मा है ना, तो सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या क्या होता है? मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। यानी अहंकार तो पक्का ही है, अहंकार को खत्म नहीं कर सकते, अहंकार खत्म नहीं कर सकते, तब क्या करना चाहिए? और लोग कहते हैं अहम को खत्म करो, मैं को खत्म करो। तो कहा जाता है जो अहंकार असली में आती है ना सूक्ष्म शरीर के साथ, वो अच्छी अहंकार होती है। उसमें जीव को अपना पता होता है कि मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं कुछ हूं और मैं भगवान का एक संबंधी हूं, ये एक वास्तविक अहंकार है जो जीव को होता है। अब मिथ्या अहंकार क्या है? वो उससे भगवान हटा देता है। मैं हूं और मेरा इन लोगों से वास्तविक अहंकार संबंध है जो मैं आसपास देखता हूं, वो मिथ्या अहंकार हो जाता है। अगर मैं उस मिथ्या अहंकार को वास्तविक अहंकार के साथ जोड़ के देखूं तो बिल्कुल लगेगा, अरे यार मिथ्या अहंकार तो ऐसा है जो हमें नाश कर देगा, और वास्तविक अहंकार ऐसा है जो भगवान से मिला देगा। इसका मतलब है कि मुझे क्या करना चाहिए? वास्तविक अहंकार करना चाहिए, और करने से ही नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होता है। मिथ्या अहंकार भी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ऑटोमेटिक हो रहा होता है, आपको पता नहीं चलता है। ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसमें, एक बार बोला गया ना एक व्यक्ति से, इस कुत्ते का मालिक कौन है? क्या मैं हूं। अच्छा, तो क्या करते हैं सुबह से? क्या इसको मैं सुबह से उठाता हूँ, उसको घुमाने ले जाता हूँ, क्यों? इसको थोड़ा पेट खाली करने के लिए घुमाने ले जाता हूँ। अच्छा, फिर
फिर क्या करते हैं, फिर आता है मैं इसको ब्रश कराता हूँ, नहलाता धुलाता हूँ, फिर क्या करते हैं इसको, फिर अच्छे सोने की व्यवस्था देता हूँ, फिर खाना बनाता हूँ, इसके लिए खिलाता हूँ। तो मालिक कौन हुआ? तुम हुए कि वो हुआ? जो सेवा ले रहा है वो मालिक है कि जो सेवा दे रहा है वो मालिक है? मालिक भाई, मालिकों की सेवा होती तो यानी कुत्ता मालिक है, लेकिन अहंकार बस आप ये भूल जाते हैं कि मालिक वो नहीं, वो है कि मैं हूं। उसको लगता है मैं मालिक हूं, इस कुत्ते का मालिक मैं हूं, और मैं इसकी पोटी साफ करता हूं जब ये कहीं भी कर देता है घर में तो। उल्टा है ना, यही मिथ्या अहंकार है। हमें पता रहता है ये मैं इसका संबंधी हूं, मैं इसका पिता हूं। अरे पिछले जन्म वो तुम्हारा पिता रहा होगा भाई, इतना अहंकार करने की जरूरत नहीं है। मेरा ये घर है, अरे आज घर आपका है, कल किसी और का रहा होगा, ये जमीन किसी और की रही होगी, कल किसी और की हो जाएगी। क्या अहंकार करना है, क्षणिक है, क्षणिक चीजों के लिए अहंकार। अभी आपने एक बुलबुला बनाया, ऐसे उड़ा करके नहीं होता, आज के बच्चे ऐसे साबुन डालते हैं और फू करते हैं तो खूब बुलबुले निकलते हैं, और अरे मेरा बुलबुला, ये मेरा बुलबुला, अरे उससे कोई ले नहीं लेना, मेरा बुलबुला है, बाद में फट जाता है, अहंकार हो गया ना, मेरा है मेरा, फट गया ना, वो क्षणिक है। क्षणिक बुलबुले के लिए अहंकार करना अपना विनाश करना है ना, ये तो क्षणिक चीजों के लिए अहंकार करना मतलब अपना विनाश करना, तो अहंकार नहीं करना वो अहंकार। तो अभी यहां पे प्रभु जी पूछा है कि अगर कोई भक्त, अब भक्ति मार्ग में कोई भक्त करता है और साथ में जैसे उसने एक एरिया पकड़ लिया, जैसे वो सोचता है कि मैं अब ये प्रचार करूंगा, एक दूसरा स्वामित्व ये है, जैसे भक्ति मार्ग में उसने सोचा कि मैं प्रचार करूंगा, अब मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन अब मैं ही केवल प्रचार करूंगा, मेरे अलावा इसको कोई नहीं पकड़ सकता, ये भी एक स्वामित्व होता है, ये मेरा एरिया है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे प्रभुपाद जी लीडिंग कर रहे थे, इसे बहुत गंभीरता सुनिएगा, ये बड़ा गंभीर विषय है। प्रभुपाद जी क्या है, लीडर है, है ना, उन्होंने क्या किया, लीड किया किसको, मतलब पूरा पूरा इसको लीड किया, पूरे इस्कॉन के जो जितना भी उन्होंने रूल्स बनाए उन्होंने लीड किया उसको ना, भक्ति किस तरह से यूएस में फैलाई जाए, पूरे विश्व में फैलाई जाए, इंडिया में फैलाई जाए, उसको उन्होंने लीड किया। तो उन्होंने एक हर जगह, इसीलिए क्या होता, फिर उन्होंने एक ऐसा जीबीसी बॉडी बनाई, जीबीसी बनाया, उसके नीचे जो है गवर्नमेंट बॉडी के नीचे फिर कई और लोग बनाए, फिर कहते हैं एरिया सर्कल लीडर, फिर होता है एरिया लीड, फिर होता है भक्ति भिक्षा लीडर, है ना, ऐसे करके लीडर्स होते हैं, सेट किए जाते हैं हर जगह के। तो क्या होता है प्रभु जी, अगर किसी को अगर ये भक्ति भिक्षा लीडर बनाया गया है तो उसको उसको पूरे स्वामित्व के साथ करना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा कर रहा है, और वो उसको सहयोग लेना चाहिए दूसरों से, सबको अपने साथ जोड़ना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए कि आप भी करो, आप भी थोड़ा बहुत करो, आप भी करो, सबको लेना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसने लीडरशिप लिया ना, उसने कंट्रोल लिया अपने हाथ में, तो उसको पूछना पड़ेगा सबसे कि तुमने किया कि नहीं, तुमने किया कि नहीं, बताइए आपने कितना किया, आप मुझे सब बता करके मुझे पूरा रिपोर्ट आगे भेजना, क्योंकि वो जो लीडर है, चार लीडर पांच लीडर मिल करके उसको ऊपर जो है बताना पड़ता है, जब 10 लीडर हैं वो 10 लीडरों को एक लीडर को बताना पड़ता है, वो एक एक एरिया लीडर सर्कल लीडर होते हैं उनको एक को बताना पड़ता है, ऐसे जाकर जीबीसी तक पहुंचता है ना। तो ये हमारा एक पूरी पूरी सिस्टम होता है। तो अब लेकिन अब मैं भले कर पाऊं नहीं कर पाऊं, लेकिन मैं ही लीडर बनना चाहता हूं, वो लीडर जहां से मैं लीडर बनना चाहता हूं। यहां पे देखिए दो चीजें होती हैं, जो भौतिक दृष्टि से देखा जाता है वो अपने आप को लीडर समझता है, जितना ऊंचे पद पर था उसका ऐसा सीना चौड़ा होता जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि में होता है ना, वो जितना होता ऊंचा होता जाता उतना झुकता जाता है। तो भौतिक में ऐसे उठता जाता है और आध्यात्मिक में ऐसे झुकता जाता है, क्यों, क्योंकि वो लीडर नहीं है, वो सर्वेंट है। तो आध्यात्मिक दृष्टि में वो उतना अच्छा सर्वेंट है, उतना अच्छा नौकर है, जितना अच्छा उसने लोगों तक अपनी बात पहुंचा दी। तो अच्छा नौकर अपने आप को समझना है, ना कि अच्छा लीडर। इसलिए जब भी लिखा जाता है योर सर्वेंट, हम लोग लिखते हैं ना YS, योर सर्वेंट ओमकारेश्वर दास, क्योंकि मैं मुझे इसका लीडर बनाया गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लीडर हो गया, प्रधान सेवक हो गया, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब हो गया मैं प्रधान सेवक, मैं वो प्रधान लीडर हो गया, नहीं प्रधान सेवक हो गया, है ना, बिल्कुल सही बात प्रभु जी आपने, मैं आई एम द सेवक सर्वेंट। तो सर्वेंट जहां से आ गया वहां हाथ जुड़ जाता है, हाँ बताइए प्रभु जी क्या चाहिए, है ना। तो जिसने अगर अपने आप को लीडर मान लिया वहां पर ये चीज जो है क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो स्वामित्व की जो भावना है, जो स्वामित्व अंदर से है, उस स्वामित्व को त्याग करके क्या पकड़ना चाहिए, अपने आप को मैं स्वामी नहीं, मैं मुझे स्वामियों की सेवा करनी है। तो भौतिक और आध्यात्मिक में दोनों लीडर होते हैं,
एक में लीडर अपने आप को अहंकार वश चौड़ा हो जाता है, उसका सीना 56 इंच का हो जाता है, और एक में क्या होता है उसका जो है सीना झुक करके बिल्कुल 2 इंच का रह जाता है और हाथ ऐसे चोट जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें सर्वेंट की तरह काम करना चाहिए भक्तों के लिए, सेवा के। जब भगवान की भक्ति करें तो सेवा भाव पकड़ेंगे, तब जाकर के स्वामित्व तो नहीं है टिका। और लेकिन अगर हम अपना एरिया को बड़े स्ट्रिक्टली पकड़े हैं, जैसे प्रभात जी बहुत स्ट्रिक्ट है, खाना ही नहीं तुम्हें, नॉनवेज नहीं खाना, जाओ यही नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये करना ही नहीं है। हमें स्ट्रिक्टली यानी जो सर्विस आपको मिल गई है उसको पूरे स्ट्रिक्टली करना चाहिए, वो स्वामित्व तो नहीं होता, वो भगवान की सेवा के प्रति बहुत दृढ़ता कहलाता है। जैसे हमारे गौ गोविंद सेवा में लोग हैं, जैसे मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा जुगेश प्रभु, पुनीति माता जी, दिनेश्वर प्रभु जी और जो और भी भक्त हैं, जो लोग क्या करते हैं ये बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करते हैं। मेरा एरिया है, इसको मुझे दिया गया है सर्विस, मुझे डेली मॉर्निंग में इसको इतने माल लोगों को मार्केट करना है, इतने लोगों को प्रचार करना है, इतना डालना है, इतना वो करना है, प्रभु जी को बताना है, पूरा लीडरशिप के साथ। तो उसमें ये स्वामित्व तो नहीं आ गया, ये चीज तो हो गया सर्विस। और भगवान के लिए सर्विस जो कर रहे हैं ना वो पूरे विनम्र भाव से करनी चाहिए। तो अब अगला प्रश्न जो था, मैं बस 5 मिनट और लूंगा आप लोगों का, अगला प्रश्न पूरा कर देता हूं कि भगवान अगर राधा रानी को इतना प्रेम करते हैं तो राधा रानी को इतना वियोग क्यों हुआ, इतना दुखी क्यों हो रही है, उनको छोड़ के क्यों चले गए, और रुक्मणी इसी के साथ शादी कर ली उन्होंने लेकिन इनके साथ जो है शादी नहीं करी, ऐसा क्यों हो रहा है कि राधा रानी को ही दुख मिला, रुक्मणी को तो कोई दुख नहीं मिला, है ना। देखिए हमारी दो दृष्टि होती है, हम दो दृष्टि से अलग अलग चीजें देख पाते हैं, देखते हैं एक्चुअली। हम एक बार कभी देखते हैं कि भगवान जो है वृंदावन में है, और कभी देखते हैं भगवान वृंदावन ब्रज से चले गए। लेकिन मैं आपको बताता हूं यहाँ पर दो चीजें हैं एक्चुअली, दो दृष्टि की जगह दो चीजें होनी चाहिए। दो क्या है, भगवान भगवान ब्रज को कभी छोड़कर नहीं जाते, इस चीज का हमें भान होना चाहिए। यानी राधा रानी के हृदय में भगवान पूरे टाइम है, ब्रज में राधा रानी के आसपास पूरे टाइम है, एक सेकंड के लिए छोड़ के नहीं गए भगवान। कौन से भगवान नहीं गए, यशोदा नंदन नहीं गए, देवकी नंदन चले गए, समझ में आया। अरे बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया प्रभु जी आपने, 10वें स्कंद में बहुत अच्छे से बताऊंगा, बीच में कभी अगर आप जन्माष्टमी आ रही ना, मैं आपको बहुत अच्छे से जन्माष्टमी में एक कथा लूंगा, उसमें आपको थोड़ा आधा घंटा 35-40 मिनट की कथा लूंगा, उसमें आपको बताऊंगा यशोदा नंदन कौन है, देवकी नंदन कौन है। यशोदा नंदन कभी छोड़ करके नहीं जाते, वो हमेशा वहीं रहते हैं। लेकिन वो जो जो राधा रानी है तो उनको वियोग क्यों महसूस होता है, वियोग क्यों, तड़पन क्यों महसूस होती है कि भगवान चले गए, भगवान चले गए, है ना। क्यों, क्योंकि भक्त जो होता है ना वो हमेशा इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि भगवान सामने खड़े होते तो भी प्रेम करके करने की वजह से उनको दुख होता रहता है कि भगवान मिल जाओ मिल जाओ। इतना प्रेम करता है। तो राधा रानी इतना प्रेम करती है भगवान को, इतना प्रेम करती है कि वो है ब्रज में तब भी उनको लग रहा है उनसे दूर है, है ना। आप किसी को बहुत प्रेम कर रहे हो, 10 सेकंड के लिए भी दूर चला जाए, अरे कहाँ चला गया कहाँ चला, जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अगर 10 सेकंड के लिए भी इधर उधर चला जाए, कहीं इधर उधर भाग कहीं भाग जाए तो आप ढूंढ, अरे कहाँ गया कहाँ गया, भाई आस पास ही आपके, है ना, तब भी हमें ऐसा महसूस होता है। तो राधा रानी के पास हर समय कृष्ण है, राधा रानी इसकी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, रुक्मणी के साथ वो हैं। एक बार की बात है जब भगवान कहते हैं कि देखो मेरे सर में दर्द है, कोई मुझे जो है वो मुझे मुझे अपने भक्त नारद जी से कहते हैं कि आप टेस्ट करना चाहते हैं, चलो कर लो भाई। तो कहते हैं अच्छा क्या टेस्ट करना है, आपका परम भक्त कौन है, कहते दूर हो जा करके, कहते मेरा बता दो मेरा सर दर्द हो रहा, मेरी सारियों को बोलो कि अपने पैर का धूल दे दे तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। नाराज जी कहते जाते हैं, रुक्मणी जी जाते हैं, कहते हैं उनका प्रभु जी का कृष्ण भगवान का सर दर्द हो रहा है, कुछ दवा चाहिए, कहे अच्छा दवाई चाहिए, वैद्य को बुला लेते हैं। तो कहते नहीं नहीं आपके चरण का रज धूल मांगा है, वो दे दीजिए थोड़ा सा, वो लगा लेंगे। अरे ऐसे मेरे पैर का धूल वो लगा लेंगे, अरे तो मैं तो जन्म जन्मांतर तर हमेशा गहराई में यानी नरक में डूबी रहूंगी, मैं ये नहीं दे सकती, आप कृपया वैद्य बुला के लाइए, कोई दूसरी दवा दीजिए, मैं अपने पैरों को धूल कैसे दे दूं अपने पति के माथे में। फिर सारी रानियों के पास गए, सारी रानी कहती हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं, हमने तो नहीं दे सकते। नाराज जी कहते चलो फिर गोपियों के पास जाते हैं, वहां गोपियां थी, राधा भगवान पहुंचे, वो नाराज जी पहुंचे, कहते हैं देखिए ऐसा ऐसा सीन है, भगवान का सरदर्द हो रहा है और उनको आपके जो है पैर की रज धूल चाहिए। उत्तरण का खरोच खरोच के दे दी, लीजिए लीजिए।
नारद जी कहते हैं, अरे तुम अपने पैर की धूल भगवान के सर में लगाने की बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म है कि नहीं? नरक भोगोगे, तड़पोगे, अनंत काल तक के लिए तड़पते रहोगे। तो गोपियां कहती हैं कि अरे मेरे भगवान के 1 मिनट के आराम के लेकर मेरे लाखों जन्म तक कष्ट भोगना पड़े हमें, वो भी एक्सेप्टेड है, स्वीकार। भक्त ये होता है, तब उसको उसमें आनंद आता है, भक्ति में, है ना? हम वो हम सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा अपना नुकसान नहीं होना चाहिए भक्ति में। अरे भक्ति कर रहे हैं लेकिन उतनी भक्ति करेंगे जिससे मेरी कुछ नुकसान ना हो, बचा रहा हूं मैं, मेरी बचत बनी रहे, नुकसान नहीं होना चाहिए अपना, पैसा ना चला जाए कहीं, थोड़ा सा दान कर दिया गौओं के लिए, इनके लिए दान ना, ऐसा ना हो, है? ये चीज नहीं होना चाहिए, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, बाकी भक्ति तो ठीक है चलती रहेगी। तो भगवान का प्रेम कहां से मिलेगा? भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा तो आनंद कहां से मिलेगा? और आनंद तभी मिलेगा ना जब आपके अंदर भक्ति उमड़ करके आएगी। इसलिए भगवान हमेशा राधा रानी से भले फोन में बात ना करें, सब फोन तो चलता नहीं था, भले भगवान जो है राधा रानी को जो है चिट्ठी पत्री ना लिखे, भगवान भले व्हाट्सएप ना करें, मैसेज ना करें, लेकिन राधा रानी को भगवान प्रेम तो बहुत करते हैं ना, तभी राधा राधा कृष्णा राधा कृष्णा, उन्हीं की एक्सटेंडेड एनर्जी वही। ठीक है, अभी जो है मैंने कोशिश किया सारे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए, थोड़ा सा फास्ट रहा होगा लेकिन तभी मैंने कोशिश किया समय दे दे करके देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको अपने सारे उत्तर मिल गए होंगे, किसी को उत्तर नहीं मिल पाया या और भी प्रश्न आए तो डाल दीजिए, मैं भागवतम कथा स्टार्ट ही तब करूंगा जब आपके सारे प्रश्नों को, जब जितने प्रश्न आ रहे हैं मन में वो खत्म कर दूं पहले। ठीक है, कैसी लगी कथा आप लोगों को? अच्छी लगी है तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे गुरु का बिल्कुल मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे शब्द दिए जिससे आप लोगों को मैं समझा पाया, बता पाया, और कुछ भी अगर मेरे से मुझसे धोखे से गलत निकल गया तो मुझे बहुत माफ कीजिए, क्योंकि अभी मैं भी प्रैक्टिसिंग हूँ। ठीक है, चलिए, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र लेते अल्प विराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरे कृष्ण।